रहे मत रहे बाबर का तो कि ये कैसे हैं आप सब लोग, सबकी सेहत ठीक है ना। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हम सबको सेहतमंद रखे, हम सबके परेशानियों को दूर कर दिए, दुख बीमारियों को दूर कर दिए, हम सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये इलायची है हरी, इसके इस तरीके से निकालिए और इसके बीज पानी में डाल के मोड़ का उठने के लिए रख दीजिए। ये बीज है जो पानी में डाल देंगे। ये इलायची के बीज है, एक टिश्यू पेपर लीजिए, ऐसा टिश्यू पेपर लीजिए और ऐसे एक छोटे से डब्बे में ऐसा रख दीजिए। अब ये बीज इलायची के बीज मोल का निकलने के लिए रख देंगे हम। आज दिन के लिए इसको रख देंगे डब्बे में बंद करके। इस तरीके से अब इसको 8 दिन के बाद हम खोल के देखेंगे मोल का निकला या नहीं। अभी ये 8 दिन के बाद इस तरीके से है, अभी मोल का नहीं निकला इसमें से, इलायची में से। हम फिर और 4 दिन रख देंगे। ये देखिए ये है, ये 15 दिन के बाद इस तरीके से इसमें 1-2-4 में मोल का उठ गया है। अब हम इसको लगा देंगे। ये इस तरह से ये मोल का उठ गया है। अब हम इसको बर्तन में लगा देंगे। ये है इस तरीके से एक ग्लास में होल कीजिए। और खाद वाली मिट्टी इसमें डाल दीजिए। ये है खाद, ये है कोको बीट का पाउडर और ये है पत्तों की खाद जो बहुत ही झाड़ों के लिए मुफीद है, जो झाड़ों को बहुत जल्दी उगाते हैं, फल फूल देते हैं। तो इसको जो पत्ते सूख जाते हैं ना, उसको इस तरीके से ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना लीजिए। हाथ से रगड़ कर उसका पाउडर बना लीजिए और झाड़ों में डालिए तो बहुत ही मुफीद है ये। और ये इलायची के पौधे को कोकोपीट का पाउडर और कोकोपीट बहुत जरूरी है, जो उसको फायदा पहुँचते है, उसके जड़ों को पहुँचाते हैं, फायदा पहुँचता है। और जल्द से जल्द इलायची लगती है, पौधा बहुत जल्द बड़ा होता है।
तो हमेशा आठ दिन को 15 दिन को कोको पीट का पाउडर जरूर डालिए झाड़ में। ये है खाद वाली मिट्टी। अब हम इसमें मिला देंगे और इसमें ये बर्तन में हम डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे बीज लगाने के लिए। और ये इसमें से मूल का जो निकला हुआ है वो लगा देंगे। ये जो इसका जो मूल का उठा हुआ है उसको ऊपर करके लगाना है। देखिए अब कितने दिन में इसका पौधा उठता है। देखिए अब 15 दिन से देखना शुरू कीजिए, आपको कब पौधा निकलता है खुद मालूम हो जाएगा। तो ये इसका पौधा निकलता है, इसका 35 दिन लगते हैं इसको पौधा निकलने के लिए। लीजिए ये पौधा 35 दिन के बाद ये पौधा इस तरीके से निकलता है। उससे पहले नहीं निकलता उसका पौधा, 35 दिन दो बाद का 2 महीने हो जाते। अब इसको हम दूसरे कुंडे में लगा देंगे। बड़ा होने के बाद और बड़े कुंडे में लगा दीजिए। इसको होल किए हुए है, अब इसके अंदर हम लगाएंगे पौधा। अब ये है ये कोकोपीट का पाउडर और ये पत्तों का पाउडर और ये इसको हम इसको नीचे डालेंगे रखेंगे इसको। और ये खाद वाली मिट्टी इलायची के पौधे को कोकोपीट जरूर चाहिए। बहुत जितना ज्यादा हो सका उतना डालना चाहिए हर 8 दिन में। तो आपको जल्द से जल्द इलायची मिलेगी और पौधा बहुत जल्दी ऊपर आएगा और मजबूत हो जाएगा। अब इसको आप रोज पानी देते रहिए और पानी जितनी उसको जरूरत है उतना पानी दीजिए। इतना पानी मत डालिए कि पानी इसके अंदर ठहर जाए। अगर पानी इसमें रुका हुआ हो तो पौधा सड़ जाता है, फिर आपको कोई फायदा नहीं है, आपका झाड़ पूरा खराब हो जाता, पौधा भी खत्म हो जाता, झाड़ भी नहीं लगता हो।
पानी कभी रुकना नहीं कुंडे में। अब हम इनको इसमें लगा देंगे। ये छोटा रहा वह खती, इसको दूसरे कुंडे में लगाना चाहिए। ज्यादा बड़ा होने के बाद इसके जड़ा बहुत ही नाजुक होते हैं और बड़ा होने के बाद उसके निकालने में बहुत मुश्किल होती है, और जड़ा अगर टूट गए तो फिर आपको झाड़ नहीं लगता। तो इसलिए छोटा रहा वह खती इसको दूसरे कुंडे में लगाइए, और थोड़ा जरा बड़ा हुआ बाद इसको और इससे बड़े कुंडे में लगाइए। देखिए ये जड़ा बहुत ही नाजुक होते हैं इसके जड़ा। अब हम इसमें से निकाल के ये कुंडे में लगा रहे हैं। देखिए इसके जड़ा अब हम इसमें लगा देंगे। ये दोनों भी लीजिए ये दोनों इसके अंदर ये छोटे कुंडे में लगा दिया। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो अब मैं ये पौधा तो मैं लगा दी हूँ अब छोटे कुंडे में। अब इसको बड़ा होने के बाद आप बड़े कुंडे में लगा दीजिए। इसकी अच्छी तरीके से देखभाल कीजिए और खाद डालिए और अच्छी तरीके से पानी डालिए, तो आपको जल्द से जल्द आपको इलायची खाने के लिए मिलेंगी, जो कि बहुत ही महंगी है और बहुत काम की चीज है। यानी आपको तो मालूम है कितने काम की चीज है, खाने में इस्तेमाल करते हैं, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको और मैं ज्यादा क्या बताऊं, मेरे घर का पौधा है। देखिए ये इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह से। इसकी देखभाल मैं अच्छी तरीके से करती हूँ। ये पौधा 2 साल का है और अब ये 3 साल के बाद इलायची इंशाल्लाह ताला जरूर मिल जाएगी। और ये इलायची यहाँ नीचे जड़ों में लगती है, ये नीचे। को ये वीडियो कैसा लगा मुझे लिख कर जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।